देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज टीवी, मैं आपका परवीन शर्मा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भी करना। आज हम बात करेंगे इसमें बिजनेस सेटअप के बारे में, बिजनेस स्टार्ट कैसे किया जाता है। तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द यूट्यूब ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे बिजनेस के बारे में। और बिजनेस मीन्स ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट होता है ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन, सेकंड होता है वुडन ट्रांसपोर्टेशन। तो आज हम जो बात करेंगे वुडन ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, जो मटेरियल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसमें भी काफ़ी पार्ट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। काफ़ी यूट्यूबरों से मैंने सुना है कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऑफिस ले लीजिए, एक आपको लैपटॉप या समथिंग कुछ भी ले लीजिए और कुछ मनी आप लगा के एक ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसी के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जो मेरी पर्सनल बेसिक नॉलेज है। ट्रांसपोर्टेशन में तीन पार्ट्स होते हैं, तीन बंदे होते हैं जिससे हम कनेक्टिंग करते हैं। फर्स्ट होता है ड्राइवर या ओनर, व्हीकल ओनर आप बोल सकते हैं। बीच में होता है एक ब्रोकर जिसे आप मेडिटेटर बोल सकते हैं। तीसरा होता है जो लॉजिस्टिक होती है, जो भी बड़ी लॉजिस्टिक होती है या फिर डायरेक्टली कंपनी होती है। जैसे कंपनी से ऑर्डर आया, कोई भी बड़ी जो लॉजिस्टिक है, जो बड़ी लॉजिस्टिक है उसका ऑर्डर आता है कंपनी से कि हमारा ये पार्ट्स है, आप 2 क्विंटल का 3 क्विंटल का 100 किलो का समथिंग जो भी पार्ट है वो हमारे यहाँ से आप पिक कीजिए। तो बड़ी लॉजिस्टिक वहाँ से पिक करती है या फुल लोड का काम होता है। वो एक ब्रोकर होता है, ब्रोकर के पास कॉल करती है कि भाई हमें इतनी गाड़ी हमें चाहिए, इतने केजी की गाड़ी चाहिए, इतने फिट की गाड़ी हमें चाहिए जिसमें हमारा माल जाएगा। तो ब्रोकर के पास जो ओनर होते हैं, जो भी व्हीकल्स ओनर होते हैं, वो जो इस इलाके में आते हैं उस इलाके में अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखवाते हैं, तो ब्रोकर उनसे कॉन्टैक्ट करता है। ब्रोकर मीन्स आप बोल सकते हैं मेडिटेटर। उनका काम क्या होता है, वो ओनर मालिक से, जो व्हीकल ओनर होते हैं उनसे वो अपना कुछ परसेंट चार्ज करते हैं, जो उनका टोटल अमाउंट होता है जितने में गाड़ी उनकी लगी होती है। सपोज आउट 5% या कोई 5% भी लेता है, कोई 10% भी लेता है, बट मोस्टली लगभग 5% ही चलता है हर इलाके में ओनर का। तो वो मीडिएटर क्या काम करते हैं, वो गाड़ी नंबर लेके वो जो बड़ी लॉजिस्टिक होती हैं, जो फुल लोड ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं, उनको वो सप्लाई कर देते हैं वो गाड़ियाँ। वहाँ से वो कंपनी में जाती है और लोड करके वो अपना जहाँ भी मटेरियल को छोड़ना होता है वहाँ जाते हैं। आज हम चर्चा सिर्फ इसी बात पे करेंगे कि ब्रोकरी का काम जो है वो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रोकरी के काम में हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, क्या क्या हमें करना होता है ब्रोकरी के काम में, किस टाइप का हम ब्रोकरी का काम स्टार्ट कर सकते हैं और हमें कितना प्रॉफिट हो सकता है पर डे ब्रोकरी के काम में, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। मतलब मैं जो भी आपको बिजनेस बताऊंगा उसमें लो इन्वेस्टमेंट और हाई प्रॉफिट के बारे में ही आपसे बात करूंगा। और इसमें हम एक चीज़ और बोल सकते हैं कि जो मेन पार्ट है, जो अपने ट्रांसपोर्टर उडन जो ट्रांसपोर्टेशन का जो मेन पार्ट है, जो मेन आप एक हिस्सा कह लीजिए, वो ब्रोकरी से ही स्टार्ट होता है। हिस्सा जो